नलकुंज में। अब इस बार कुछ अलग ही धमाकेदार, चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट टू की जर्नी अमृत भारत। बेचारा हवा खा रहा है इस ठंड के मौसम में, गेट पे देख रहे हैं कुल्ली मजा ले रहा। क्या हो गया सर? स्ट्रगल लाइफ है इंडियन रेलवे का, देख लीजिए कैसे लोगों को सफर करना पड़ता है। बाकी इस साइड खड़ी अपनी गोरखपुर नरकटिया का लोकल पैसेंजर ट्रेन, पहली बार अपनी अमृत भारत में भी साइकिल देखने को मिल गया है, एक छोटा सा बच्चा वाला। भीड़ देख लीजिए पैसेंजरों का इस गाड़ी में चढ़ने। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट टू जर्नी अमृत भारत एक्सप्रेस में। पहला पार्ट में हमने देखा था कि हम लोग दरभंगा से क्या सिचुएशन था इस ट्रेन की, पहली एक महीने बाद आपने देखा कि अमृत भारत एक्सप्रेस में क्या कंडीशन हो गई, पेंट्री स्कैम से लेके सीटों के लिए युद्ध से लेके भाई कोच में लड़ाई से लेके आपको जितना भी हो सका मैंने दिखा। और पार्ट टू की जर्नी हम लोग, आई होप कि आप लोगों को पार्ट वन पहला ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले उस ब्लॉग को देखिए फिर पार्ट टू को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी रक्सौल जंक्शन से पहले से लेकर अपनी गोरखपुर जंक्शन, अपनी जनरल कोच में। अब इस बार कुछ अलग ही धमाकेदार, चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट टू की जर्नी अमृत भारत एक्सप्रेस की। चाचा ठंडा लग जाओ तब कहो निमार हो महाराज, ठंडा में हवा खा रहे हैं क्या कीजिएगा। चाचा जी को जाना है दिल्ली और सीट नहीं मिलने का काम क्या करें, बेचारा हवा खा रहे हैं इस ठंड के मौसम में, गेट पे देख रहे हैं कुल्ली मजा ले रहा अपनी। बाकी ट्रेन अपनी पहुंच रही है रक्सौल जंक्शन और सामने खड़ी है आनंद विहार रक्सौल, रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस का रेट, जो कि वाशिंग पैड अपनी यार्ड में रक्सौल जंक्शन। भाई सिगरेट मत पी समय, जबकि आपको पता ही है यार, ठीक है भुता। भुताने की बात नहीं है, उसको फेंको, उसको फेंको, बाथरूम में जाके इसी कर या गेट पे जाके फेंक, सिगरेट मत पी ठीक ना, पी ले अब। जल्दी दुख ले स्टेशन आ गया। तो हमारी ट्रेन पहुंच गई नेपाल बॉर्डर यानी पूर्वी चंपारण के अपनी रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए अपनी रक्सौल, और भाई साहब रक्सौल जंक्शन में भीड़ देख लीजिए पैसेंजरों का इस गाड़ी में चढ़ने के लिए। ऑनलाइन गेज 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का फिफ्थ सुबह, यानी बिहार के अपनी नेपाल के इस चंपारण के अपनी रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RXL। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 8 ट्रेन आके रोजाना हॉल्ट करती है, यहाँ से 22 ट्रेन अर्जेंट मिलते बिहार के अपनी इस सेंट्रल रेलवे के अपनी समस्तीपुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट कॉल है और ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम है। अच्छा बात करते हैं अपनी रक्सौल जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो क्योंकि हम लोग आए हैं सीतामढ़ी लाइन से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे वाया सिकटा के रास्ते अपनी जो है ना नरकटियागंज, और यहाँ से एक लाइन आपको निकलती है अपनी सुगौली होते हुए बेतिया की ओर। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं लोग अपनी रक्सौल जंक्शन से अपनी ट्रेन। क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? पानी उठा, पानी उठा, पानी उठा, क्या हो गया सर? बाकी अभी आपने देखा कि दो हमारे RPF के जवान हमारे सर लोग जो है ना रेल नीर पानी के बोतल, अभी इस ट्रेन का जो है ना केटरिंग स्टाफ हम लोग से पूछ रहा था कि भाई यहाँ से एक पेटी अपनी पानी का बोतल गायब हुआ है, किसी ने ले गया तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन अभी हमारे देख रहे हैं कि दो RPF सर जो है ना उस बंदे को पानी बेचते हुए कहने क्या हुआ है उसको लेके गए अंदर अपनी रक्सौल जंक्शन। अगर आपको नेपाल घूमना है तो अपनी इस रक्सौल जंक्शन से वॉकिंग डिस्टेंस पर अपनी नेपाल बॉर्डर है, चाहे तो आप ऑटो और इसी से भी जा सकते हैं इस रक्सौल जंक्शन से। अरे कप्तानगंज जाना है इसमें बैठ जाइए, गाड़ी खुलने वाली है, खुलने वाली है, जनरल है बैठ जाओ। बाकी 5 मिनट होल के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी नेपाल के अपनी रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, देखिए डिपार्चर कि बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 6:30 में निकल चुके हमारी नेपाल के अपनी रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, और यहाँ से हम लोग सुगौली के रास्ते नहीं वाया सिकटा के रास्ते हम लोग निकलेंगे अपनी नरकटियागंज जंक्शन, ये शॉर्ट डिस्टेंस वाली। बाकी चलिए मिलते हैं सीधे इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज, सीधे आपसे मुलाकात करते हैं वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण का अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे। चलिए अपनी अमृत भारत निकल चुकी है शाम के बिल्कुल ऑन टाइम नेपाल के अपनी रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से हम लोग शॉर्ट रूट को कवर करेंगे, हम लोग ना सुगौली ना बेतिया जाएंगे, हम लोग आया सिकटा गोखुला के रास्ते निकलेंगे अपनी नरकटियागंज जंक्शन। तो मिलते हैं सीधे आपको नेक्स्ट सुबह अपनी
नरकटिया का लग रहे हैं चाचा चाचा, अब टोपी से स्मार्ट लग रहे हैं महाराज, अब अच्छा लग रहे हैं टोपी में। स्वागत है भैया वेस्ट चंपांग अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन हमारी अराइव कर रही है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो ऑनलाइन 190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 7th stop, यानी बिहार के अपनी वेस्ट चंपांग अपनी नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है NKE। टोटल यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 34 ट्रेन रोजाना के हॉल्ट के थे, यहाँ से 11 ट्रेन ऑर्जेंट में, बाकी अपनी बिहार के इस सेंट्रल के अपनी समस्तीपुर डिजन में आता है, बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है भाई 5 मिनट बिफोर, लगभग अभी हमारी ट्रेन यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट लेने वाली है। बात करते हैं अपनी नरकटियागंज को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ से हम लोग आए हैं वाया सिकटिया के रास्ते रक्सौल से अपनी नरकटियागंज, यहाँ से एक लाइन आपको निकलती है नरकटियागंज से भीखना ठोरी की ओर, और एक लाइन यहाँ से आपको निकल जाएगी अपनी बेतिया होते हुए मोतिहारी सुगौली, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चौथी लाइन अपनी गोरखपुर जंक्शन को, 4 लाइन आके मिलती है, इसीलिए अपनी नरकटियागंज को जंक्शन पॉइंट बनाया गया है। बाकी बिल्कुल ऑन टाइम हमारी नरकटियागंज जंक्शन से ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी शाम के 7:30 अपनी वेस्ट चंपारण से, और यहाँ से निकलने के बाद एक और स्टेशन आएगा अपनी वेस्ट चंपारण का, जो कि आएगा अपनी होम टाउन यानी बगहा रेलवे स्टेशन। ऑन टाइम निकल चुकी अपनी वेस्ट चंपारण का अपनी बिहार के नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से अगला स्टॉप पर जाएगा बगहा, जहाँ अपना होम टाउन है। इस ट्रेन का खास 1 महीना पहले जब इस ट्रेन का इनॉग्रल हुआ था और कमर किया, तब मैं बगहा और कप्तानगंज को कैप्चर किया था। तो यहाँ से नरकटियागंज से अपनी गोरखपुर का जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का दूरी है, बाकी हम मिलेंगे आपको कुछ नज़ारों के साथ सीधे आपको गोरखपुर जंक्शन, क्योंकि बगहा कप्तानगंज को हम करेंगे स्किप, बहुत बार दिखा चुके हैं अपनी। बाकी ये भी एक स्ट्रगल लाइफ है इंडियन रेलवे का, देख लीजिए कैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता है इस दूर जाने के लिए, है ना। कैसे स्कीम चल रहा है, 80 का खाना 150 में दिया जा रहा है, और बात करने पे कह रहा है बिल मांगने पे बात नहीं करेंगे, ये हाल है इस ट्रेन की अपनी अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस में। हर ट्रेन में भाई पेंट्री में स्कीम चलता है, 80 का खाना 150 में दिया जाता है, और पानी रेल नीर पानी के बोतल 15 का 20 दिया जाता है। बाकी ये है अपनी हरिनगर का शुगर फैक्ट्री, जो कि काफ़ी बड़ा सा फैला हुआ है अपनी हरिनगर का शुगर मिल। अच्छा इसमें क्या छोला चावल है, छोला चावल कैसे है, 50 का और क्या है, बस छोला चावल हो थाली खाना। अच्छा मतलब 80 वाला थाली नहीं है, 80 वाला स्टैंडर्ड है नहीं है, अंडा बिरयानी कैसा है, अंडा बिरयानी 60 रुपये का, 80 वाला खाना नहीं है, मेनू है आपके पास, मेनू है, मेनू हाँ वे थोड़ी कहते हैं, हाँ तो मतलब पानी पानी अच्छा। मैनेजर खाए कहाँ, मैनेजर जाए पीछे वाला जनरल में जाइए। अच्छा मतलब 12 स्लीपर क्रॉस होने के बाद क्या कीजिएगा, आप दिक्कत सुधार करना ही पड़ेगा, चले जाइए। ठीक ठीक खाना में क्या ले ना, खाना कौन चीज लेके आए ले, खाना का कैसे है, कैसे है चाचा, भूख लागल है, भूख लागल है, हम लोग का भूख नहीं लगता ना, बात आ रहा है भूख लागल है, रात हो गए, ये तो उस समय हम नहीं लेने दे रहे थे कि टोपी नहीं पहने हुए, ये सब क्या है, अगर वायरल होगा तो, अरे मोबाइल बंद है, मोबाइल बंद है रख ले, 120 रुपये का खाना है, का का है, का का है, सादा देख लो हाथ से, देख लो अपने हाथ से देख, बिल्कुल का का है, ये पनीर की सब्जी है, दाल की सब्जी,
चावल दो पराठा है 120। लेकिन आपके लिए बोले चुप रहिए। हाँ हम जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। आप देखिए दूसरा के साथ जो भी है आपको मतलब नहीं, हम लोग को अपने से मतलब रहना चाहिए। पेट पूजा ठीक है, आते हैं लोग, आते हैं लोग थोड़ा आगे से किसी से मिल के। हम तो बेचिए लगे घूम के नहीं, हमारे पास इतना ही है, खाना मिलेगा नहीं। 130 में क्या क्या है? अच्छा बिल मिलेगा ना? बिल ऐसा नहीं, IRCTC कहता है नो बिल नो पेमेंट, ठीक है? मैनेजर है ना यहाँ पे, तो बिल कौन देगा ये बताइए। मेनू चार्ट है आपके पास? मेनू क्यों नहीं है? अपनी दरभंगा अमृत भारत में देख लीजिए, साइकिल भी जर्नी कर रहे हैं अपनी इस स्लीपर क्लास में, इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ अपनी दरभंगा आनंद विहार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में। वैसे तो आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखते हैं कि ट्रेन जर्नी के दौरान बहुत सारे लोगों का पार्सल के द्वारा साइकिल भी जाता है, लेकिन आज पहली बार अपनी अमृत भारत में भी साइकिल देखने को मिल गया है, एक छोटा सा बच्चा वाला, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ पलों में हम लोग पहुँचने वाले अपनी होम टाउन यानी हमारा नेपाल अपनी बगहा, लेकिन इस बगहा को हम स्किप करते हुए और उत्तर प्रदेश के अपनी कप्तानगंज को स्किप करके मिलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अपनी जो है ना गोरखपुर जंक्शन। लेकिन अपने विपुल भाई जाएंगे श्री राम की जन्मभूमि अपनी अयोध्या। दोस्तों अपनी बगहा का शुगर फैक्ट्री यानी शुगर मिल, तो दोस्तों ये हमारे रही भाई बगहा का शुगर मिल यानी कि शुगर फैक्ट्री। और भाई तो दोस्तों फाइनली अपनी इस बिहार के इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन पे जा आ गया अपनी बगहा, जहां से हम अपना होम टाउन भी जा सकते हैं नेपाल अपनी वाल्मीकि। हमारा समय हो रखा है शाम के 8:30 और रात के, और अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है हमारी होम टाउन यानी इस ट्रेन का बिहार का लास्ट स्टॉपेज अपनी वेस्ट चंपा का अपनी बगहा। इसके बाद ट्रेन हमारी इंटर करेगी उत्तर प्रदेश की कप्तानगंज जंक्शन पे, और यहाँ पे हमारे विपुल भाई पहली बार आए हैं तो इनको ट्राई कराते हैं बगहा का कचड़ी, कहते हैं कि भाई आएंगे तो जरूर ट्राई करेंगे, है ना विपुल? हाँ जरूर करेंगे। बाकी यहाँ से हम लोग लेते हैं अपनी 20 का कचड़ी और लिट्टी, बिल्कुल गरम गरम मिलेगा बगहा स्टेशन पे। अभी हम लोग आए हैं मकसूद भाई के भाई होम टाउन बगहा में, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है अपना नेपाल वाल्मीकि नगर। बाकी यहाँ पे मकसूद भाई अपने होम टाउन का भाई जाने वाले हैं, यहाँ पे कचड़ी जो होता है उसे टेस्ट कराने वाले, जरूर करेंगे क्यों नहीं। बाकी चलिए पैक कराते हैं हम लोग, हाँ मिलते हैं फिर, यहाँ से डिपार्चर भी हो गया। तो भाई हमारा ट्रेन अपनी निकल चुका अपनी बिहार के लास्ट स्टॉपेज यानी वेस्ट चंपा का अपनी हमारा होम टाउन नेपाल अपनी बगहा, और यहाँ से निकलने के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज आएगा उत्तर प्रदेश के अपनी कप्तानगंज जंक्शन। बाकी यहाँ पे अपने विपुल भाई को अपने लिट्टी और कचड़ी अपनी बगहा का बाकी चलिए आपको पता ही है कि मैंने बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट अपनी नई दिल्ली दरभंगा के बीच सफर किया अपनी उस 3rd AC में, और जैसे पहुंचा तो हमारी ट्रेन हो गई थी भाई 6 घंटे लेट। जैसे पहुंची अपनी दरभंगा बस 10 मिनट बाद अपनी अमृत भारत भी निकल गई, दोपहर का लंच करने का टाइम नहीं मिला। बाकी उस टाइम लिए थे कुछ इस अमृत भारत के पेंट्री से स्नैक्स वगैरह खाए हैं। बाकी चलिए यहाँ इस लिट्टी और कचौड़ी को खाते मिलते हैं सीधे आपको कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गोरखपुर। ट्रेन हमारी गंडक रिवर को क्रॉस कर रही है अपनी बिहार और लिट्टी बॉर्डर। बाकी इस साइड खड़ी अपनी गोरखपुर नरकटियागंज लोकल पैसेंजर ट्रेन। भाई गोरखपुर नरकटियागंज लोकल पैसेंजर ट्रेन है भाई। और
बाकी अभी जस्ट क्रॉस हुई है अपने खड्डा में गोरखपुर नगड़े लोकल पैसेंजर ट्रेन और यहाँ उपी में आते भाई फॉग ठंड शुरू हो चुका है। बाय बाय भाई। बाकी अपने भाई से अलविदा ले लिया और भाई निकले अपने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की ओर। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन के बारे में, तो ये जो अपनी जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इस ट्रेन में आपको 4 जनरल कोच आगे की तरफ है और 4 जनरल कोच पीछे की तरफ, बाकी बीच में अपनी 12 स्लीपर क्लास भी जो है ना अपनी अमृत भारत का इस लगाया गया। बाकी यहाँ का महाराज रात के हो गए हैं 11:30 और दरभंगा से पूरे 340 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम आ चुके अपनी डेस्टिनेशन यानी अपनी उत्तर प्रदेश के अपनी पूर्वांचल के क्षेत्र अपनी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसको भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम रात के पहुंची अपनी गोरखपुर। वैसे इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ये जो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस है ना भाई, इसमें मतलब आप लोग सीटों के लिए भी महायुद्ध हो रही है और भाई साथ ही साथ इस ट्रेन में जो है ना पेंट्री स्कीम कितनी ज़्यादा, साथ इस ट्रेन में जितना स्कीम चल रहा है ना भाई है। आप देख ही लिए कि कितना पेंट्री स्कीम चल रहा है भाई इस ट्रेन में और सीटों के लिए देखे तो कैसे लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर महायुद्ध शुरू कर दे रहे हैं। बाकी इस एक महीना पहले इस ट्रेन का जो है ना इनॉग्रल हुआ था, तो उस ट्रेन के जर्नी के दौरान हमने इनॉग्रल और फर्स्ट कमर्शियल रन भी इस ट्रेन में जर्नी किया था। बाकी अब यहाँ से 15 मिनट हॉल के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, बाकी अपने भाई लोगों से जो है ना अलविदा लेते हैं, वो लोग निकल जाएंगे श्री राम की जन्मभूमि अपनी अयोध्या। से एक चीज़ इस अपनी अमृत भारत में खास इसलिए क्योंकि इस ट्रेन को जो है ना प्लेटफॉर्म निकलते भाई इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है ना भाई पूछी मत, क्योंकि पीछे और आगे के तरफ इसका 2 लोकोमोटिव है पुशफुल और इस ट्रेन में जो है ना 4 जनरल कोच आगे की तरफ है और 4 अपनी पीछे की तरफ, बाकी बीच में अपनी इस 12 स्लीपर क्लास दिए गए। वैसे इस अमृत भारत एक्सप्रेस में इनॉग्रल और कमर्शियल में हमने किया था स्लीपर क्लास में जर्नी और इस बार मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेन का जो है ना आपको जनरल कोच में अपनी जर्नी देखा जाए। वैसे कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से इंस्टा फेसबुक फॉलो की अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।